हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पनीर दो प्याजा बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी बनता है। सबसे पहले हम कढ़ाई को रख देंगे गैस पे। गैस में ऑयल डालेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो जाए। पनीर के मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं, इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने एक तरफ पानी को पहले से ही गरम करके रख लिया था। एक चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसी के अंदर हम पनीर के सारे पीसेस को डाल देंगे जो हमने फ्राई करे थे। सारे पनीर को हम थोड़ी देर के लिए पानी में ही रखेंगे। इसी तेल में हम पनीर के मसाले को तैयार कर लेंगे। चार लौंग, एक बड़ी इलायची, तीन चार काली मिर्च, दालचीनी एक टुकड़ा। इसको अच्छे से हम पहले फ्राई कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, चुटकी भर हींग डाल देंगे। एक चम्मच जीरा, जीरा हमारा ब्राउन हो जाए। अब मैं इसमें ये दो प्याज कटे हुए डाल दूंगी, इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे हम। लहसुन अदरक का भी पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। इन्होंने डेढ़ चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, जिसको भी अच्छे से कर लेंगे। हमारी ब्राउन हो जाए। एक चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देंगे। ये तीन टमाटर चॉप करे हुए, एक चम्मच नमक डाल देंगे। टमाटर मेरे हो चुके हैं, टमाटर ने घी भी छोड़ दिया अच्छे से। अब एक कटोरी में दही ले लूंगी, इसमें एक चम्मच सौंफ डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच जीरा पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम मसाले में डाल देंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। हरा धनिया, अब इसमें हम पनीर को डाल देंगे।
थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अब इसको हम फाइनल टच कर दे देंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल मेरा गरम हो चुका है। अब इसमें हम ये बड़ा बड़ा प्याज हमने काट लेना है। इसको अच्छे हल्का सा बस हमें कच्चापन निकालना है इसका। इसका कच्चापन निकल चुका है। अब मैं इसको पनीर में मिक्स कर दूंगी।